और अगली खबर है सोनभद्र से, जहां सीएम योगी पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि 414 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है सीएम ने। परिषद के पूर्व सदस्य श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री केदारनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी अपना दल के सभी पदाधिकारीगण और सोनभद्र जनपद से जुड़े हुए विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के मेरे यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अपार प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ऋषि मुनियों तपस्वियों की साधना से पवित्र सोनभद्र की इस धरा को नमन करते हुए आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि अपना सारा कार्य छोड़ करके एक बार फिर से आज आप इतनी भीषण गर्मी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल की इन उपलब्धियों को लेकर के आगामी कार्यक्रमों के प्रति अपने आशीर्वाद देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब सोनभद्र में आना है तो स्वाभाविक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को भी निर्वहन करें। इस दृष्टि से आज इस जनपद के विकास से जुड़े हुए 414 करोड़ लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी सोनभद्र वासियों को, माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। इसके लिए मैं अतिरिक्त अभिनंदन का आप सबका करता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही एक कृषि विज्ञान केंद्र का भी शिलान्यास आज यहां पर हुआ है। हमारे अन्नदाता किसानों को कृषि क्षेत्र में तकनीक की जानकारी देने, कृषि क्षेत्र में प्रगति को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के सहयोग से आज यहां शिलान्यास किया जा रहा है। सोनभद्र जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र के बनने का मतलब सोनभद्र जनपद के किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सोच के साथ कार्य करने की एक नई तकनीक हम उपलब्ध करवाने का कार्य, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज जब मैं प्रातःकाल आया तो मैं सबसे पहले जैसे ही यहां पर इस धरती को नमन करने के बाद मैंने सबसे पहले यहां पर निरीक्षण किया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का। भाइयों बहनों, अनुमान करिए मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में आज से 6 वर्ष पहले सपना था, लेकिन अब हकीकत बन चुकी है कि हमारे सोनभद्र में भी अपना एक मेडिकल कॉलेज होगा और भव्य मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, अगले सत्र में यहां पर हम प्रवेश भी करवाएंगे। सोनभद्र से, मिर्जापुर, भदोही से जुड़े हुए छात्रों को अब पढ़ाई लिखाई के बाहर नहीं जाना होगा। मेडिकल की परीक्षा अगर उन्हें पढ़ाई करनी है, उस प्रकार के डॉक्टर भी होंगे, चिकित्सक भी होंगे, नर्सिंग स्टाफ भी होगा, पैरामेडिक्स भी होगा, हजारों लोगों को नौकरी लगेगी और नौजवानों को, हमारे नौ युवकों को यहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना का और रूप है, जिन्होंने कहा था वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के सपने को साकार करिए।
अंतर्निहित सपने को साकार कर रहा है। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा यहां लोगों को मिलेगी। आज हमने जो 417 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, इनमें से यहां के विद्यालयों को तकनीक के साथ जोड़ने के कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। तकनीकी विशेष सक्षम यहां के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को बनाया गया है या बनाया जा रहा है, और मैं अब यहां के प्रशासन से कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग सुदूर क्षेत्रों में स्थापित जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ यहां पर जितने उद्योग लगे हैं उनके सीएसआर मद के पैसे का उपयोग भी यहां पर हेल्थ एटीएम लगाने के लिए करें, और हेल्थ एटीएम को जिला चिकित्सालय के साथ या केजीएमयू और आरएमएल के साथ या एसपीपीजीआई के साथ या बीएचयू के साथ जोड़ करके सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे तो बनवासी भाई कौन है, यहां के जनजाति समाज से जुड़े हुए नागरिक हैं, उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, अधिपोक्ता व्यवस्था टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराने की दिशा में हमको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तेजी के साथ प्रदेश के अंदर एक कार्य प्रारंभ हुआ। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले तक एक सपना था, क्या सोनभद्र और मिर्जापुर में भी पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिल पाएगा। कुछ गांवों में चालू कर चुके हैं, कुछ गांवों में अगले कुछ महीनों के अंदर प्रारंभ हो जाएंगे। हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना, आरओ का पानी, जब दुकान में जाएंगे एक बोतल पानी की कीमत 20 रुपए से कम नहीं, जार लेंगे उसकी कीमत अलग है, लेकिन अब सरकार आपके घर पर आरओ का पानी पाइप से पहुंचाने का कार्य करने जा रही है। भाइयों बहनों, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आभार व्यक्त करता हूं। हर घर नल की योजना इस क्षेत्र के विकास के लिए, और यहां के हमारे जनजातीय भाइयों बहनों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोर तबके के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति अति पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आवास एक सपना था। 92,000 से भी गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में और लगभग 9,000 आवास शहरी क्षेत्र में, यानी 1,01,000 से भी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना से यहां लाभान्वित करने का कार्य भी हुआ। भाइयों बहनों, उन लोगों के आवास बने हैं। 4 लाख से अधिक लोगों को हर घर में शौचालय की सुविधा और किसान सम्मान निधि की योजना के साथ भी जोड़ा गया है। कोई सोचता था यहां के जनजातीय लोगों के पास, गरीबों के पास भी अपना रसोई गैस का कनेक्शन होगा, लेकिन आज ये हकीकत बन चुकी है। आयुष्मान भारत का कार्ड होगा, आज ये हकीकत बन चुकी है, और यहां पर भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। आज भाइयों बहनों,